नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और जीवन में अगर बहुत ज्यादा वैभव चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशनुमा जीवन चाहते हैं, तो फिर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी बताया गया है। क्योंकि अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो जीवन को नरक भी बना सकता है। फिर इसके बाद आप चाहे लाख उपाय कर ले, लेकिन शुक्र अगर बलवान नहीं है तो ये जीवन में बहुत सारी चीजों से वंचित भी रखता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज के वीडियो में मैं कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बता सकूं और बहुत ही आसान टिप्स दे सकूं, जिसे आप अपना भी सके और अपनाने के बाद अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की को भी पा सके। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, शुक्र ग्रह वैभवशाली जीवन देने वाला होता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च स्थान पर होता है तो वो या तो बहुत बड़ा कोई नामी सिंगर बनता है, एक्टर बनता है, या फिर बहुत उच्च स्थान जीवन में उसे जरूर मिलता है। देखिए, ये शुभ फल देने वाला होता है ना। तो जीवन में सुख का आगमन बिना किसी प्रयास के ही ला देता है, अगर शुक्र उच्च में हो। वहीं पर ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है ना, जिसका शुक्र उच्च होता है, वो व्यक्ति राजा के समान जीवन बिताता है। कि उसकी जीवन की जो संज्ञा ही होती है वो राज राजेश्वर जैसा होता है। तो ऐसे में जो आपको जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए मदद करता है वो है शुक्र। लेकिन अगर इसके विपरीत चले जाते हैं तो जीवन में, यानी कुंडली में अगर शुक्र रूठा हुआ है, कमजोर है, तो ये घर पे आपको बहुत सारी परेशानियां देने वाला है, बाहरी सामाजिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां देने वाला है, और ये वैभव का सुख तो आपको देगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन में ना तमाम मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं प्राप्त कर ही पाते हैं, तो इससे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मन के लायक इनको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर शुक्र को अच्छा करना है, प्रसन्न करना है, तो कुछ उपाय मैं आज आप लोगों को बताऊं। तो शुक्र की जो मित्र राशि है वो शनि और केतु है, लेकिन सूर्य और चंद्र इसके शत्रु भी माने गए हैं। तो जबकि मंगल, राहु और गुरु के साथ शुक्र का संभाव संबंध है, तो इनके साथ इनका संभाव रहता है। शुक्र अगर नीच का हो तो जातक के जीवन में सुख और वैभव सदा अभावग्रस्त रहता है। तो ये जानना जरूरी था कि किन किन राशियों के लिए ये काम करता है और किन किन राशियों के लिए ये काम नहीं करता है, ठीक है। अगर इसका प्रभाव हम देखें तो शुक्र के साथ अगर राहु रहेगा ना, तो ये आपके जातक को धन सुख की कमी देगा, स्त्री सुख या पति सुख की भी कमी देगा, यानी इसके साथ अगर राहु है। अगर शनि नीच का है और शुक्र के साथ है तो समझ लीजिए बुरे दिन आपके रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। अगर अंगूठे में दर्द रहता है, आपकी उंगलियों में दर्द रहता है, तो और ऐसा भी हो सकता है कि उंगलियों के आसपास आपकी घाव हो सकते हैं या फिर थोड़ी परेशानियां रह सकती है, तो भी आप समझ जाइएगा कि आपका शुक्र जो है वो अच्छा नहीं। हमेशा बहुत ज्यादा सस्ते है सवर्ण, लगता है कि हमेशा चेहरा मुरझाया हुआ है। ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो शुक्र है ये बहुत मतलब नीच का है। तो यहाँ पर मैं झटपट बहुत सारे आसान आप लोगों को मैं उपाय बता देती हूँ, जिसे करते हैं तो जीवन में धीरे 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 परिवर्तन आपको खुद ही नजर आएगा, ठीक है। और अगर नजर आता है तो प्लीज आकर यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट बता दें। नहाने के बाद हमेशा परफ्यूम का यूज कीजिए, और वो परफ्यूम अपनी इस उंगली में लेंगे और यहाँ पर कानों के पीछे जरूर लगाएंगे, रिस्ट पर जरूर लगाएंगे, और हो सके तो अपने कपड़ों पर भी जरूर देंगे। ऐसा डेली की हैबिट कीजिए। दूसरी चीज, कंघा बहुत अच्छे से कीजिए, खुद को सजा के सवार कर रखिए। सजा के सवारने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मेकअप पोत कर रही है, नहीं, बस हमेशा बहुत अच्छी एक साफ सुथरे वाली कि इंसान देखे और कहे कि नहीं अच्छा लग रहा है आपका प्रेजेंटेशन, ऐसा हो। तीसरी चीज, हमेशा घर की साफ सफाई भी रखिए, क्योंकि आपकी साफ सफाई के साथ आपका घर भी संबंध रखता है। अगर घर गंदा होगा और आप साफ सुथरे होंगे तो इसका एक नेगेटिव एनर्जी आप पर जरूर पड़ेगी और घर पर भी जरूर पड़ेगी। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर ओम क्लीम कामदेवाय नमः का मंत्र का जाप कीजिए, इससे भी बहुत जल्दी फायदा मिलता है। शुक्र को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हीरा धारण कीजिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ कि हीरा एक ज्योतिष के परामर्श के बिना नहीं धारण करना है, ठीक है। शुक्र को अगर स्ट्रांग करना है तो हर शुक्रवार श्री शुक्त का पाठ कीजिए, मां लक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए,
साथ में शुक्रवार से ही दुर्गा चालीसा का भी पाठ कीजिए, इससे भी बहुत ज्यादा असर दिखता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि शुक्र के साथ कौन सा ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है। इसलिए दुर्गा चालीसा को भी कहा जाता है कि दुर्गा चालीसा शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए काफी होता है। तो माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र करेंगे, शुक्र का कोई भी मंत्र करेंगे, यानी ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार शुक्रवार से शुरू करें। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होगी, और साथ में ही आप देखेंगे कि लोग भी आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इन चीजों को अगर प्रभावित करना है तो जरूर से शुक्र को एकदम स्ट्रांग बताइए। साथ में कुछ बातें और भी ध्यान रखने योग्य होती है कि अक्सर लेडीज को देखा गया है कि बाल कंघी नहीं करती हैं, जैसा तैसा रहती है, जैसा तैसा जूड़ा बांध लेती है, तो ये आदतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर शुक्र की वजह से पति पत्नी में तनाव भी होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। कुछ लेडीज घर के कामों में इतना ज्यादा बिजी रहती है कि शायद अपने लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल पाती है। तो अगर जीवन में बहुत ज्यादा सुखी बनना चाहते हैं तो शुक्र को स्ट्रांग इसी तरह से कीजिए, खुद को हमेशा सजा के और सवार कर रखिए। तो बस इतना ही करना है, तो शुक्र आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है तो जीवन में खुशियां यूं ही आने लगती है। ठीक है, तो इन सारी छोटी छोटी टिप्स को अपनाइए, जीवन में बहुत तरक्की कीजिए और साथ में हमेशा खुद को वेल मेंटेन रखिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों को लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।